अन्योन्याध्यास सिद्धम ईश्वर ब्रह्मण और एकत्वम पूर्वत्र उदारधम। अन्योन्याध्यास से सिद्ध है ईश्वर और ब्रह्म की एकत्व। इस बात को समझाने के लिए पूर्व में दिया जो दृष्टांत था घटित पट और शुद्ध पट, उनकी ऐक्यता की भ्रांति का कारण क्या है? उनका अन्योन्याध्यास होना। इसे उसी दृष्टांत के द्वारा ईश्वर और ब्रह्म का अन्योन्याध्यास को समझाने के लिए उसी दृष्टांत को दोबारा स्मारयति। घटित पट दृष्टांत स्मारणे न दृढ़यति। घटित पट के दृष्टांत को स्मरण कराते हुए इस अन्योन्याध्यास जो है इस बात को और भी दृढ़ किया जाता है। अन्योन्याध्यास रूपोऽसौ अन्नलिप्त पटो यथा घटित नैकतामेति तद्दद्भ्रांति कतांगतः। अन्योन्य अध्यास रूपोऽसौ, ये जो पट है शुद्ध पट था, अब क्या है अन्न से लिप्त हो गया जो पट, वो जो घटित पट है ये क्या है? अन्योन्य अध्यास से शुद्ध पट का अन्न लेप के साथ युक्त पट के साथ तादात्म कर लिया आपने। आप उसका भेद को नहीं देख पा रहे हैं, घटित पट को अलग और शुद्ध पट को अलग करके विवेक नहीं कर पाते हैं, बल्कि आप क्या कहेंगे घटित पट है, शुद्ध पट गया नहीं है, खत्म, शुद्ध पट तो गया, अब क्या रह गया घटित पट ही रह गया, वो शुद्ध पट स्वाहा, ऐसे भ्रांति होती है। ये अन्योन्य अध्यास का साक्षात जो है दृष्टांत, इससे बढ़िया और क्या होगा? अन्नलिप्त पटो यथा घटितेन एकतामेति। अन्नलिप्त पट उस घटित पट के साथ जिस प्रकार से एकता को प्राप्त हो गया, तत्त उसी प्रकार से भ्रांतिया भ्रांति के वजह से माया विशिष्ट जो ईश्वर का उस ब्रह्म के साथ एकदांगत है। भ्रांति कत्वापत्तो दृष्टांतो विदाय, भ्रांति के वजह से ही शुद्ध और कल्पित का एकता हो जाता है। शुद्ध और कल्पित का एकता हो जाती है इस बात के लिए, इस बात को कथन करके दृष्टांतो विदाय, इस बात के लिए दृष्टांत का कथन करके आपाद दर्शिणाम भेद प्रतीतो पूर्वोक्त में दृष्टांतांतरम दर्शयति। आपात दर्शियों को भेद की प्रतीति नहीं होती है। इस विषय में भी पूर्व में कहा हुआ एक और दृष्टांत को दोबारा स्मरण कराते हुए दिखा रहे हैं। मेघाकाश महाकाश विविच्येते न पामरैहि तद्दत् ब्रह्मेशयोरैक्यम् पश्यन्तापात दर्शिनः। जैसे मेघाकाश और महाकाश इनको भेद करके देख नहीं पाते साधारण आदमी, मेघाकाश कहाँ है महाकाश में ही विद्यमान है, लेकिन महाकाश को पृथक करके मेघाकाश से अलग करके कोई अनुभव नहीं कर पाता है। यथा उसी प्रकार से प्रथम दृष्टिया जो देखने वाले जो लोग होते हैं आपातदर्शी लोग, वह ईश्वर और ब्रह्म को अलग करके देख नहीं पाते। वो क्या मानते हैं ईश्वर ही है, ब्रह्म है नहीं कुछ, जो भी ईश्वरी करता है वो ब्रह्म नाम का कोई चीज नहीं, निर्गुण निराकार है नहीं, बोल देते ईश्वर ही है विशिष्ट ही है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए हम प्रकरण ग्रंथ बना रहे हैं ना पंचदशी को, इसलिए ऐसे लोगों की दृष्टि से ईश्वर को मान के बोल रहा हूं। लेकिन सुरेश्वर आचार्य कैसे थे? वे तो अलग करके देखा उन्होंने ईश्वर को, ब्रह्म को पृथक करके देखा, देख करके तब वर्णन किया, इसलिए उन्होंने ब्रह्म से ही सीधा जगत पैदा हो गया। हम कह रहे हैं ईश्वर से जगत पैदा हुआ, वो किसने कह रहे हैं? पामरों के दृष्टिकोण से, मंद बुद्धिवानों के दृष्टिकोण से, जो लोग ईश्वर को ब्रह्म से अलग करके विवेचन करके पृथक पृथक समझ नहीं पाते हैं और समझ कर उस अनुसार विवेचन करके मनन नहीं कर पाते, उनके लिए हमारा है कथन ईश्वर से जगत उत्पन्न हुआ। और जो विवेक कर पाते हैं ऐसे उत्कृष्ट साधकों के लिए वार्तिककार का कथन है कि ब्रह्म से जगत पैदा हुआ। अतः दोनों का कथन में कोई विरोध नहीं है। तो तादात्म्य अध्यास पूर्व कथन करना और तादात्म्य अध्यास को भंग करके विवेक पूर्व कथन करना, ये दोनों में अंतर है। पश्यन्ति आपात दर्शिनः तद्वत् मैंने ब्रह्मेश्वर ऐक्यम पश्यन्ति न भेदम। ब्रह्म और ईश्वर का एकत्व को ही देखते हैं, भेद का अनुभव सभी लोग नहीं कर पाते हैं। कहते भेद कर मालूम कैसे हुआ आपको?
ये दोनों भिन्न हैं, ईश्वर और ब्रह्म दो भिन्न चीज है। ब्रह्म निर्गुण निराकार है, उसे सगुण साकार ईश्वर कल्पित है, ये आपको कैसे पता चला? जब आम आदमी समझ नहीं पाता, कोई ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो आपने कहां से ग्रहण किया? यह प्रश्न जब उठा, कहते हम तो शक्ति से ग्रहण कर रहे हैं, उपनिषदों से। उपनिषदों से कैसे ग्रहण किया? हम भी तो उपनिषद पढ़े, उसमें तो हमको नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी ब्रह्म अलग ईश्वर अलग। तस्मा ये तस्मय आत्मना आकाश संभूत आकाशात वायु कहा, तो कहीं वहां तो स्पष्ट अलग से दिखाई नहीं दे रहा है, फिर आपने कैसे जाना उसको वहां उसी श्रुति से? तब कहते हैं हमारे पास षडलिंग विद्यमान है, उपक्रम उपसंहार आदि। उन षडलिंगों के द्वारा वाक्य का तात्पर्य निर्णय जब करता हूं, तब हमें अन्योन्य अध्यास समझ में आती है, और अन्योन्य अध्यास को भंग करता हुआ दो वस्तु सत्य और मिथुन वस्तुओं की जो एकता हुई है उसको पृथक करके सत्य को सत्य रूपण हम देखते हैं, मिथ्या को मिथ्या रूपण हम देखते हैं। ये हमारी विशेषता है, और षडलिंग के द्वारा हमारे निर्णय हुआ है, हमें ज्ञान हुआ है। उपक्रमादिभिर्लिंग तात्पर्यस्य विचारणात् असंगं ब्रह्म मायावि सृजत्येष महेश्वरः। उपक्रमादिभिर्लिंग, उपक्रमादिलिंगों के द्वारा तात्पर्यस्य विचारणा, सत्यं ज्ञानान्तं ब्रह्मयः उपक्रम वाक्य से शुरू करके अंत में कहा वाक्य तक सारा का सारा वाक्यों का तात्पर्य जब विचार करके देखता हूं, तो असंगम ब्रह्म, क्या निश्चय किया हमने? ब्रह्म तो असंग है। फिर सृष्टि किसने पैदा किया? मायावी महेश्वर एष सृजति, एष महेश्वर, ये जो महेश्वर है कैसा है? वो माया विशिष्ट होकर के, मायावी बन करके सृजति। माया कहां से आई? बस ये मैं पूछना है ही नहीं, जो है ही नहीं उसको दिखा देने वाली का नाम है माया। जो है ही नहीं वैसे कर दिखा देने की चीज का नाम माया हमने रख दिया है। ऐसे कोई चीज नहीं, और कोई तत्व नहीं है। जो हमारे अनादिकालीन भ्रम का कारण भूता एक वस्तु को मान लिया कि जिसको जगत दिख रहा है, कहना पड़ेगा तुम्हारे अंदर भ्रम है, अज्ञान है, इन्हें जगत क्यों दिखाई दे रहा है? यदि एक कमी वजह मुझे ब्रह्म है, जगत पैदा ही नहीं हुआ, फिर जगत दिखाई क्यों दे रहा? जो है ही नहीं दिखाई दे रहा, जब जगत पैदा ही नहीं है दिखाई कैसे दिया? दिखाई दे रहा है तो फिर दिखाई दे तो उसकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी। पैदा कहाँ से हुआ कल्पना करना पड़ेगा, सारी श्रुतियां उसके लिए समझाने के लिए कहने, फिर तो माया को लाना पड़ा। षडस्माकं अनादिः, इसे वेदांत में छह चीजें अनादि माननी पड़ी सृष्टि दृष्टिवाद में। कौन से? ईश विशुद्धाचित, जीव अविद्या चेतने परस्पर संबंध, पंचानाम परस्पर भेदंच, ये अनादि छह। अविद्या का चेतन के साथ जो संबंध हुआ वो भी अनादि, और एक पांचों का परस्पर भेद, जीव और ईश्वर भिन्न है, ब्रह्म और जीव भिन्न है, ब्रह्म और ईश्वर भिन्न है, माया और ईश्वर भिन्न है, और इस तरह से अनेकों जीवों का परस्पर भेद, ये पांचों चीजों के परस्पर जो भेद है ये भी अनादि है, निश्चय अनादि। इसका श्लोक याद नहीं आ रहा, लेकिन छह वस्तु यहां हमने नोट किया है। उपक्रमोपसंहारो अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, तात्पर्य का निर्णय करने में छह लिंग होता है, उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फलम, अर्थवाद, उपपत्ति। उपक्रमोपसंहार एक चीज है, उपक्रम और उपसंहार एक हो गया, मतलब आरंभ और अंत में ऐक्यता होनी चाहिए, शुरू कुछ किया अंत कुछ और कर दिया, ऐसे नहीं होता। रामायण शुरू कर भागवत समाप्त कर दिया अधिकतर लोग आजकल ऐसे उल्टा पलटा काम करते हैं, कहां से कहां चले जाते हैं, कहां खत्म हो जाते हैं, मालूम ही नहीं रहता है। तो उपक्रम उपसंहार ऐक्य होना चाहिए, और बीच में जिस तत्व का प्रतिपादन करना है उसका अभ्यास होना चाहिए, उसका अभ्यास होना चाहिए, और जिस कथन के लिए अभ्यास कर रहे हो वो अपूर्व होना चाहिए, किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं होनी चाहिए, अब
अपूर्वता होनी चाहिए और उस तत्व ज्ञान का फल हो, उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, अर्थवाद और युक्ति उपपत्ति माने युक्ति भी होना चाहिए। इन छह लिंगों से ही वाक्यार्थ तात्पर्य निर्णय होता है। इत्युक्ते षड्विधेर लिंग श्रुति तात्पर्य अवधारणे सती ब्रह्म असंगम मायावी सृष्टि जवगम विशेष ब्रह्म असंग है और मायावी ही सृष्टा है, ऐसा ही निश्चय होता है। श्रुत उपक्रमोपसंहारेक रूप प्रदर्शनेना उत्तम ब्रह्म असंगत्व स्पष्ट है। पहले उपक्रम उपसंहार को समझाते हैं। देखो श्रुति में भी उपक्रम उपसंहार के द्वारा एक रूपता को दिखाते हुए वहां पर ब्रह्म के असंगत्व का ही कथन हुआ है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं अगले श्लोक से। सत्यम ज्ञान अनंतंच इत्युपक्रम योपसंहृतम यथो वाचो निवर्तन्ते इत्यसंगत्व निर्णय, इसलिए असंगता का निर्णय हो गया ब्रह्म। शुरू क्या हुआ था? सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, वही उपक्रम हो गया। और उपसंहार में क्या बोला? यथो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह, ऐसी से निर्णय हुआ वह तत्व असंग है, असंगत्व निर्णय हो गया। अतो असंगत्व निर्णयो भवति इति शेषः। मायावी नहीं ईश्वर से सृष्टित्व प्रतिपादिका श्रुतिमर्थ दर्शयति, मायावी ईश्वर ही सृष्टा है, इस बात को प्रतिपादन करने वाले श्वेता सूत्रादि अनेक उपनिषदों में विद्यमान श्रुतियों को दिखा रहे। देखिए, मायी सृजति विश्वम सन्निरुद्धस्तत्र मायया अनित्य पराभूते श्रुतिस्तेनेश्वर सृजे। अपरा श्रुति ब्रूते, दूसरी श्रुति ऐसी कह रही है जो तैत्रीय से भिन्न, और सत्यमानंद ब्रह्म क्या था? तैत्रीय था, इसे उससे भिन्न एक दूसरी श्रुति कौन सी? श्वेता सूत्र उपनिषद की श्रुति। वह क्या कह रही है? माई सृजति विश्वम, माई जो है विश्व का सृष्टि करता है। माई मैने माई माइनो माइना माइन शब्द है, माई मैंने औरत नहीं समझना, ये माई बना दी है सृष्टि को। माई संस्कृत शब्द है, माइन शब्द दंडी दंडिनो दंडिना जैसे होता है, माई माइनो माइना माइनम माइनो माइना ना, माइना माईभ्या माईभि माइने माईभ्या माईभ्या माइना माईभ्या माईभ्या माइना माइनो माइना माइनी माइनो माई माईशु, हे माइन हे माइनो हे माइन, माई सृजति विश्वम तत्र। और उस सृष्टि में अन्य ये जो जीवात्मा है ये क्या हो गया? संनिरुद्ध हमने बद्ध कहो, कैसे बंद गया वो? मायाया, उस ईश्वर ने अपनी माया से सृष्टि का रचना करा और रचना करने से घुस गया, घुस करके अपनी माया से इन जीवों को बांध भी दिया, बंध बद्ध कर दिया। मायाया तत्र अन्य मने ईश भिन्न, ईश भिन्न कौन? जीव संनिरुद्ध मने बद्ध। मंत्र दे रहे, अस्मान माई सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। श्रुति ईश्वर से सृष्टित्व जीव से तत्र जगति बद्धत्वं च दर्शयति। ये श्रुति साफ साफ ईश्वर में सृष्टित्व और जीव के अंदर, जीव जो है उस जगत में विद्यमान एक बद्ध जीव था, बद्धता उसके अंदर, ये बात भी दर्शाती है। एवं आनंदमय ईश्वर से जगत कारण प्रतिपाद्य, इस तरह से इतनी शास्त्रार्थ के द्वारा निर्णय हुआ, जो आनंदमय कोश है वो ईश्वर है और जो विज्ञानमय कोश है वो अंतर्यामी, बताया था पहले। और उसी में क्या होगा? सूत्रात्मक भी रहेगा, उसकी ओर ले जा रहे। तस्मात जगत उत्पत्ति प्रकार माह, इस जगत की उत्पत्ति का प्रकार का वर्णन करने जा रहे। आनंदमय ईशोयम भूष्यामित्यवैक्षत हिरण्यगर्भ रूपो अभूत सुप्ति स्वप्नो यथा भवे। आनंदमय ईशोयम, जो यह आनंदमय कोश है यही ईश्वर है। और उसने क्या किया? भूष्यामित्यवैक्षत, उसने ईक्षण किया, एक अहम भूष्याम प्रजाय, एक जो मैं हूं मैं बहुत हो जाऊं। हिरण्यगर्भ रूपो अभूत, तब क्या हुआ? समष्टि अनंत जीव रूपा समष्टि हिरण्यगर्भ धारण हो गया। उसी प्रकार जिस प्रकार से आप सो जाते हो
सो करके सोचते हो, मैं आप बढ़िया संकल्प कर लेते हो मैं सुंदर स्वप्न को देखूँ, भले वो स्वप्न बुरा हो जाए बात अलग चीज़ है, लेकिन विचारते रहता है बढ़िया से बढ़िया स्वप्न देखूँ। इसलिए आप जो सोने जाते हैं आपके मित्र लोग आपको क्या बोलते हैं, शुभ रात्रि बोलते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अर्थ अच्छी रात्रि बीते, बढ़िया नींद आवे, बढ़िया बढ़िया स्वप्न आवे, कोई बुरा स्वप्न ना हो, नींद बीच में टूटे नहीं। भले उल्टा होता कहने वाले तो शुभ रात्रि कहते हैं, अशुभ रात्रि हो कोई नहीं कहता, बैड नाइट्स कोई ऐसे नहीं, लेकिन होता सब उल्टा ही, भले कोई कुछ कहते रहे न जाना ठीक, गुड नाइट बोल के क्या फायदा, शुभ रात्रि बोल दो तो पता है उसके दिमाग अशुभ ही स्वप्न होने वाला है, सबको पता है। शुभ स्वप्न तो बड़े ज्ञानी पुरुषों को भक्तों को हुआ है, भगवान का ही स्वप्न होता है, भक्ति में ही लीन है ना, ऐसे स्वप्न आम आदमी को कहाँ होता है, आम साधक को आम विद्यार्थियों को सब होता है। और हम लोगों को भाई पहले रटते थे तो लघु का ही स्वप्न हो जाता था, स्वप्न में भी लघु रट रहे हैं, अष्टाध्याय रट रहे हैं, तरसंग रट रहे हैं, ये स्वप्न देखने के क्या हो गया, सोए हैं कि रट रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, पुस्तक बगल में, कई बार अर्ध निद्रा में आंख खोल के देख लिया गलती हो रहा है, स्वप्न में गलती हुई और उस आंख खोल के यहाँ देख भी लिया, फिर स्वप्न में चलिए फिर रट रहे, बड़ा विचित्र स्थिति, रटते रटते ठीक रट गया, नींद आ गई, सो गए ठीक 4 बजे, बड़ा घंटा बजता था कैलाश का, अपने उठना पड़ता था, कान के बगल में फटफट मारता था, बगल में कमरा थी हमारे, घंटा बजती थी जहाँ ठीक बगल में, चाहो ना चाहो 4 बजे उठने ही पड़े, वो घंटा इतना बड़ा था और खेल ढान 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 बजाता था जोर से, चौकीदार लाभ है इसमें देखो, लोग समझते नहीं है। और रामान जी महाराज जी बताते थे एक बार, उनके जो गुरु जी गीता स्वामी जी जिनकी सेवा करते, उनके गुरु नहीं संन्यास गुरु नहीं, गुरु के गुरु भाई थे उत्तरकाशी में, लोग गीता स्वामी जी नाम से बहुत प्रसिद्ध थे, आज भी ना देवी आश्रम कुछ नाम से ऊपर है, कला शासन के थोड़े बाद में, इनके गुरु भाई कमलेशानंद जी उसके महंत थे, उनके पास जब रहने लगे तो उनको पढ़ाते थे, उन्होंने देखा थोड़ा आलसी है रामानंद जी, थोड़े लेट से उठते, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहता, बुढ़ा हो गया है, सवेरे थोड़ा ठंड ठुंड लगता है मेरे को, 4 बजे उठ करके नहा धो के चाय बना के, अगर मुसीबत हो गया, अब रामायण जी बजे राम 4 बजे चाय बनाना है तो 3 बजे तो उठना पड़ेगा, 3 बजे उठेंगे तब तो कुल्ला करेंगे, दंत मंजन करेंगे, डोल डाल होगा, स्नान करेंगे, गर्म पानी बनाएंगे, ठंडी का इलाका है उत्तरकाशी, नहाए धोए फिर उसके बाद वो स्टोव का जमाना कोई गैस वस्तु होता नहीं था, फू 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 करके फिर उसको उसमें बत्ती वत्ती लाओ, इधर जाना पड़े पिन पुन किसी तरह से बनाए, जलाओ जलाओ लेके उसके चाय बनाओ, महाराज जी को 4 बजे ठीक पहुँचा, वो कहते उसे बड़ा बुरा लगता था, क्या ऐसे सवेरे सवेरे 4 बजे चाय पीने कैसे महात्मा हो गए, और बड़ा पागे मर जाए कोई चीज जाए, क्या फर्क है अद्वैत वेदांती ब्रह्मज्ञानी और 4 बजे चाय, उस समय तो बुरा लगता था, स्वयं महाराज जी कहते थे बात हम लोग पढ़ाते होते, हमें उस समय बुरा लगता, लेकिन फिर 5-6 बजे के बाद समझ में आ गई कि अपने उनको पीने से कोई लेन देन नहीं, कई बार हुआ गया वो चाय वहीं पड़ी रहती थी, पीते नहीं थे, पीते ही नहीं थे, पीना कोई जरूरी नहीं था उनके लिए, शुरू में जान के पीते थे ताकि ये सोचे कि इनके लिए जरूरत है, ये आदत थी ऐसे सोचे वो, जब बार बार उन्होंने देखा हो तो पीते ही नहीं ऐसे पड़ा है, तब समझ में इन्होंने मेरी आदत सुधारने के लिए अपने 4 बजे चाय पी, हमें जल्दी उठाने के लिए, हमको 4 बजे लघु पढ़ने वाले सिद्धांत पढ़ने जाना पड़ता था बनारस में, 4 बजे पढ़ाते थे आचार्य, अब ठीक 5 बजे ने 10 मिनट बंद कर देते थे, पूर्णिमा देवी भागते थे हम गोविंद मत वापस आरती में खड़ा होने, नहीं तो बिस्तर निकाल देगा वो बाहर कर दे कोठारी, आरती में नहीं था तुम, 5 बजे आरती, 5:30 आरती वगैरह हो गया फिर 5:30 भागते थे दक्षिणामूर्ति पढ़ने की, ऐसा हमारे गुरु लोग भी हमारे ऐसी कृपा किए हैं, जान बुझ के ऐसे टाइम दिया जल्दी उठ के नहा धो के पहुँचना पड़ेगा, और यहाँ हम सवेरे वहाँ पाठ रखते थे 7 बजे तो लोग बोलते महाराज जल्दी हो गया 8 बजे रखो, मैंने कहा तुम लोग क्या विद्यार्थी लोग,
हमारे गुरु लोगों ने 4 बजे बुलाया, हमने एक शब्द नहीं बोला कभी। महाराज जल्दी हो जाता है, हमें आरती भी जाना पड़ेगा, इतना जल्दी पर रात लेट से सोना कैसे होगा। कभी नहीं, जो टाइम बोला गुरुओं के मुख से निकला उस टाइम हाजिर। और 7 बजे आराम से चाय पी के नाश्ता खा के आ रहे हैं, तभी कह रहे हैं जल्दी हो गई, ठंड लगती आने में। 4 बजे जाने में हमें ठंड नहीं लगी, तुमको 7 बजे आने में ठंड लग रहा है। आजकल के विद्यार्थी इतना आलस नहीं। गर्मी के दिनों में भी हम जाते 11:30 बजे टाइम दे दिए योगिंद्रा ने जी, दोपहर 11:30 बजे दोपहर में कितना धूप होता है बनारस में, लू चलता है। हम क्या कर देते, अंदर से बनियान गीला पहनते, ऊपर से चादर, उसके ऊपर कंबल ओढ़ के जाते थे गर्मी में, लू ना लगे इसी। फिर लोगों ने बोला आप पागल हो जाओ, ऐसे इस गर्मी में दिमाग खराब हो जाएगा। उसे लोगों ने कहा प्याज बांधो नाभी में, भले खाते नहीं है लेकिन प्याज काट करके छोटा टुकड़ा नाभी में बांध लेना, कभी लू नहीं लगेगी। फिर हम बांध के जाते, उसको लेकर के बड़े राजनीति हुए, ये प्याज खाता है कमरे में रखा है। मैंने कहा जन्म से नहीं खाया, अब खाने को मौत नौबत आ गई है, जन्म से नहीं खाया है, कोटारी को विश्वास नहीं, ऐसे नहीं बांध के जाते। उसने देखा जा रहे इतना बजे जा रहे, बेचारा क्या करे, टाइम वो दे रखे। योगेंद्रा जी भी कम नहीं परीक्षा लेने, वो पढ़ाते नहीं थे विद्यार्थी, गर्मी के 2 महीना हरिद्वार आते थे। तो उन्होंने मेरे से कहा, मैंने कहा गुरु जी आप छुट्टी करोगे तो पैसे होगा, हम हमारे वैसे उन्होंने भी पढ़ा रहे, वो भी पढ़ा रहे, मैंने 2-3 गुरु लोगों को बताया वो लोग पढ़ा रहे, इसलिए आप भी पढ़ाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने उस साल मेरे वैसे कूलर खरीदा, और जहां भी उसकी परीक्षा लेने की देखता हूँ कितना निष्ठा है इसको पढ़ने में, 11:30 बजे बुलाया था। तब भी हम जब इतना प्रभावित हो गए, कहे कि अब तुमको तो भाई क्या कहें, अब 1 घंटा पढ़ाने से काम चलेगा नहीं, हम तुमको 2 घंटा पढ़ाएंगे, टाइम भी पढ़ा, इतने खुश हो गए। गुरुजनों की कृपा ऐसे थोड़ी मिलती है, वो परीक्षा भी लेते हैं उसी हिसाब से, पर कृपा भी वेदांत परिभाषिका में टीका, दाशान चक्र जैनियों का ग्रंथ, विज्ञप्ति मात्र से बौद्धों का ग्रंथ, धड़ाधड़ उन्होंने समाप्त किया गर्मी गर्मी में, ऐसे कठिन ग्रंथों को पूरा कर दे। वो कहते भाई तेरे जैसे नहीं देगा, सब भाग जाते हैं गर्मी में बनारस छोड़ के, और तो कैसे कैसे आ रहे, देख के बड़ा आश्चर्य होता है। तो विद्या में निष्ठा होनी चाहिए, अब तभी तो विद्या की कृपा होगी, शास्त्र की कृपा ऐसे थोड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर लोग थोड़ी सी इधर उधर हो जाते तो भाग जाते, पेट में गैस हो गया तो भाग गए, ऐसे थोड़ी होता। संकल्प हो पक्का, मेरा इतना है पढ़ना, लक्ष्य मेरा लक्ष्य है, उतना पूरा होने तक हम नहीं जाएंगे जब मर जाएंगे। हमने काशी में ही करके गया था, बनारस जा रहा हूँ, मुझे न्याय मीमांसा सांख योग बढ़िया तैयारी करना है, तब तक मुझे बनारस छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे सड़क पर रहना पड़े रह जाएंगे लेकिन निकलेंगे। और विश्वनाथ ने परीक्षा ली, गोविंद मठ से हमको राजनीति करके निकाल दिया लोगों ने, मैं मंदिर में जाके बैठ गया, क्योंकि दूसरा आश्रम पता नहीं था कहाँ जाओ। दक्षिणामूर्ति मठ जाता था जहाँ मालूम है, वो तो किसी भी परीक्षार्थी के लोग दूसरे को रखते नहीं थे, आज भी वहाँ का नहीं है, परीक्षार्थी दूसरे को रखते नहीं, 1-2 दिन के रख देंगे अधिक से अधिक। मैंने वहाँ क्या करूँ, 2 दिन जाकर फिर धक्का खाने पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा बाबा के चरणों में बैठ जाएंगे मंदिर में, देख आ जाएगा जो होगा सब, झोला झंडी वहीं रख दी वहाँ बैठ गए। और शाम को एक महात्मा आके मेरे को दूसरे आश्रम ले गया, कहे वहाँ एक गली में है दत्तात्रेय मठ, वहाँ तुमको रख दूंगा। उन्होंने देखो शंकर भगवान खास खुद आ गए महात्मा के रूप में, मुझे ले जा रहे पहुंचा दिए जगह पर। 4 महीने वहाँ रहा, तब गोविंद मठ कोठारी को पता चला ये सब, इसका कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक था, हमने गलती कर दी उसको निकाल दी इन के चक्कर में। फिर जब पढ़ने जब गया था तब मेरा सारा बिस्तर उठा गोविंद मठ ले गया कोठारी, सारी व्यवस्था थी, पंखे का कमरा, अकेले को कमरा, मगर सब नियम के विरुद्ध में हमको टाइम, रात भर तुम लाइट जलाओ कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए छूट है, दूसरे को 10 बजे के बाद 1 मिनट लाइट नहीं जला सकते, पूरा छूट के साथ मेरे को रखा। मैंने देख विश्वनाथ 4 महीना परीक्षा ली, और उस आश्रम में क्या मिलता था, 4 सूखा रोटी, 1 पका हुआ आलू, 1 हरी मिर्च, इतना सा नोन नमक, और कुछ भी नहीं मिलता खाने में, दोनों टाइम यही मिलेगा। और दोपहर में काली चाय, दूध नहीं, दूध तो दिखती नहीं थी, उसे काली चाय देती, वो भी लेकर के 4 महीने रहे।
और यहाँ पर दो दिन लगातार खिचड़ी बन जाते, अरे रोज खिचड़ी बने लग गया आश्रम में जाए, है ना। विद्यार्थी लोग ऐसे बोलते हैं, चार महीने चार सूखे छोटी इतने छोटी जैसे खाता छोटा रोटा ऐसी रोटी बनती थी, और चार उनका सूखा एक आलू देता था बुड्ढा रामदयाल गिरी, उस महात्मा था रामदयाल गिरी, वो मार्केट से बड़ा आलू आया लाएंगे ना वो काट देगा, अरे बड़ा है आधा आधा मिलेगा, जैसे तुम्हारी मर्जी भाई, जो दो ही खाएंगे और क्या करें, बाकी गंगा जल पिएंगे, ऐसे रह करके भी पढ़ाई की। इतना आसान नहीं है, जो लोग समझते हैं ना, इतना आसान नहीं है शास्त्र की प्राप्ति होना। हमने ये देखा जितनी सुख सुविधा में रहा उतनी हमारी पढ़ाई नहीं हुई, जितना परेशानी में जब थे उतनी पढ़ाई ज़्यादा हुई, अब कैलाश में हम रहे इतना ढंग से पढ़ाई नहीं हुई, व्यवधान व्यवधान कई प्रकार के कई कार्यक्रम हो रहा है, कुंभ मेला मंडलेश्वर जाना पड़ रहा है झंझट ही, और बनारस में इतनी मुसीबतें थी फिर भी इतनी तेज से इतने बढ़िया हुई पढ़ाई, सोच नहीं सकते आप। और महाराज जी के साथ में रामान जी के साथ तब भी जहाँ जा जाओ उनके साथ घूमना पड़ता था, रोटी बनाओ ये बनाओ, लफड़ा सब रहता था, गोसाल पालो सेवा तो खूब साथ में, सब मुसीबत रहते, कहीं झोंपड़ी में रह रहे हैं, कहीं कहाँ रह रहे हैं, कभी कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, कैसे चल रहा है चल रहा है, लेकिन पढ़ाई सबसे बढ़िया। ये हम देखते थे कि जितनी हम सुविधा में जाते हैं उतनी हमारी पढ़ाई खराब होती है, सुविधा की अपेक्षा विद्यार्थियों को कभी करना नहीं चाहिए। भगवान की कृपा है हमारे अंदर अपेक्षा रहा भी हो, लेकिन हमको हमेशा असुविधा में डाल देते ताकि मेरी पढ़ाई हो जाए, ये भगवान की कृपा थी। तो यही यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना कि सुषुप्ति से स्वप्नवत कैसे हो जाता है, ईश्वर बोल रहा था ना हम जो चाहते हैं वैसा होना बहुत मुश्किल होता है, हम चाहते अच्छा स्वप्न ही हो फिर होता है बुरा स्वप्न, इसलिए हम चाहना छोड़ दे उस पर छोड़ दो, वो जो दे वो स्वीकार कर, जैसा रख रहा है जैसा चल रहा है चलने दो, उसमें विवेचन नहीं करना चाहिए हमें ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है ऐसा है वैसा नहीं है, सोचा ही नहीं, अपना लक्ष्य पढ़ना पढ़ाई करो बस, कहानी खत्म, बाकी क्या मिला नहीं मिला कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, कौन लड्डू खा लिया तुमको लड्डू नहीं मिला चिंता मत करो, खाने दो कोई मिठाई खा खाने तुमको नहीं दिया तो क्या आपत्ति हो रहा है, मिठाई से पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्या, मिठाई का डिब्बा आया अकेला कोई खा गया खाने दो तेरे को नहीं दिया क्यों परेशान हो रहा, ऐसे भी हम लोगों के साथ हुए, आग लगाने वाले हमारे पास भी आए, बोलो स्वामी जी बस शिकायत करते हैं, उसे देखो सारा मिठाई खा गया हम लोगों को दिया ही नहीं। मैंने कहा सुनकर हमारे पास हंसी आई, अरे ये पागल है तू मिठाई खाने आए थे क्या महाराज जी के पास, तू क्यों आया यहाँ बता। मैंने उसे डांटा, हमारे सहपाठी था मेरे को आके बोला मुझे वो कोठारी सारा खा गया, अपने अपने एक दो को दे दिया होगा, हम लोग किसी विद्यार्थी को दिया ही नहीं, मैंने उसको डांटा तू यहाँ क्यों आया ये बता, मेरे दिमाग खराब कर रहा, अपने खुद का दिमाग खराब कर लिया, मेरे को भी दिमाग खराब कर, चलो शिकायत करने के लिए स्वामी जी के पास, मैं क्यों जाऊँगा तुम जाओ जो करने जाओ, हम यहाँ पर लड्डू खाने नहीं आए, सूखी रोटी मिल रही है पेट में कुछ जा रहा है ना, मर तो नहीं रहे हो क्या, लड्डू खाने से तुम्हारे उपने समझ में आ जाएगी, रोटी खाने से नहीं समझ में आती है, भाग गया भगा तो क्या डर गया फिर हो गया नहीं महाराज जी के, वो भी ज्ञानी महाराज जी बात उसके समझ में बात सही है, हम तो इसके खाने पीने के चेहरे में तो आए नहीं थे, हम तो पढ़ने आए, खा दिमाग चला गया मेरा, वो समझ में आई उसको भी, वो इसलिए आज तक वो मानते रमेश चेतन उसका नाम था, आज तक वो मेरे को मानते बहुत, कहते नहीं आपने आँख खोला मेरा, मैं फालतू बात में बहुत चला जाता था, मैंने कहा तुम लोग क्यों आए वो देश पर ध्यान दो ना, मुख्य वो रखो, बाकी को देखो ही मत कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, सोच रहे नहीं अपनी पढ़ाई करो, अपने जो तुमको सेवा बताएगी वो करो या तुम्हारे से जो होता है वो करो, ये नहीं भी बताया कोई सेवा, अपनी मर्जी जो तुमसे हो सकता है जो देखो आश्रम में क्या जरूरी है वो काम कर दो, लेकिन दूसरों को देखो मत, उसका कर्म उसके साथ, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, तुम जिससे आए हो वो काम तुम्हें देखना है और गुरु की सेवा करनी जिसे प्राप्त कर रहे हो अब करो। उसके बाद उसके कभी उसने बाद एक साल से ऊपर हम लोग साथ में थे, बाद में उसके अंदर पूरी बदलाव हो, कभी नहीं देखता था, कभी मेरा कान खराब नहीं हुआ, फिर आके कभी ये वो उल्टा पुल्टा बातें नहीं सुनाया,
ये होता है विद्यार्थी में गंदा आदत, दूसरों को देखना वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर, कितना बजे उठा, कितना बजे टट्टी किया, कितना नहाया कि नहीं नहाया, अरे क्या तेरे को मतलब है, वो सोच करके नहाया नहीं नहाया उसे तेरा पढ़ाई क्या फर्क पड़ने वाला है, तेरे पढ़े पर कोई असर पड़ेगा क्या, वो नहीं नहाएगा तो क्या तेरा पढ़ाई नुकसान होगा क्या, वो नहा लेगा तेरी पढ़ाई ज़्यादा हो जाएगी क्या, फालतू बातों में क्यों पढ़ते समझ में नहीं आता, अपनी पढ़ाई करो, कौन क्या कर रहा है कोई नहीं, अपनी जो सेवा जो संभव वो करना चाहिए, तब जाके शास्त्र की प्राप्ति लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। ये हम अनधिकृत चेष्टा जो करते हैं यही हमारे लिए बाधक बनता है, इसे यहाँ पर क्या करें, यथा सुप्त स्वप्न यथा सुप्ति स्वप्न यथा, सोने पर जैसा स्वप्न हो जाता है, एक ही मैं हूं, वहां कोई दूसरी चीज है क्या स्वप्न में, जब सोए थे आपका कौन थे, कितने थे, आप अकेले थे, और स्वप्न में अनेक पदार्थ माना किया आपने, वो कहां है, वो आप ये खोपड़ी के अंदर कल्पित है, मैंने आप ही वहां कार हो गए, सड़क भी हो गया, शत्रु हो गया, सब कुछ आप ही हो गए, आप के अलावा कुछ है ही नहीं, वहां आप ही एकमेव अद्वितीय जो सोया वही अनेक स्वप्न आकार को प्राप्त कर, यथा तथा ये ईश्वर एकमेव अद्वितीय ही माया को लेकर के आप जैसा निद्रा रूपी दोष को लेकर के हो जाते हो, उसे वो भी माया को लेकर के अनेक समष्टि रूपा हिरण्य गर्भ बन गया, वो सोए हुए के स्वप्न के समान ईश्वर का हिरण्य गर्भ होना समझो, यह बीज का अंकुर भाव को प्राप्त होने के समान ईश्वर हिरण्यगर्भ हो गया ऐसे समझो, इसलिए कहते देखो आनंदमय सोयम बहुश्यामित्य वैक्षत हिरण्यगर्भ रूपो भूत सुप्ति स्वप्नो यथा भवे, आनंदमय सो आनंदमय ही ईश्वर सिद्ध हो गया, और अयम यही ईश्वर क्या करता है, बहुश्यामित्य अवैक्षत बहुश्याम प्रजा ये मैं बहुत हो जाऊं ऐसे संकल्प करता है तो हिरण्य गर्भ रूप अभूत वह हिरण्य गर्भ रूप को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार से आप में सो जाऊं करके एक में वद्युति भाव को प्राप्त कर गए सो करके निद्रा रूपी दोष के कारण संकल्प कर लिया मैं एक स्वप्न को देखूं, और आप खुद ही अनेकों चीज होते गए और स्वप्न में उलझते गए, अपने आप बन रहे हैं आप, कोई अन्य चीज तो है नहीं, बाहर से आ नहीं रहा है, आप अपनी वासना जाल से अपने एक नया जगत का निर्माण कर लेते हैं अविद्या निद्रा रूपी दोष के वजह से, तद्वित ईश्वर ने अपने माया रूपी दोष को लेकर के सारा संसार को बना दिया, वही विराट रूपता स्थूल है ना, इसकी सूक्ष्म रूप का नाम हिरण्यगर्भ, ईक्षित्वाच हिरण्यगर्भ रूप अभूत इत्यन्वय तदृष्टान्तमासुप्तिरिति तस्मात् वै तस्मात् आत्मन आकाश संभूत इत्यादि क्रमेण सृष्टि श्रवणात् इदं सर्वं सृजत इति युगपत् श्रवणाच्च कस्य उपादित्तं कस्य वाहेयत्तम् इति आकांक्षायां श्रुत्युपेतत्वात् उभयं ग्राह्यमित्याह तस्मात् वै तस्मात् आत्मन आकाश संभूत ऐसा कहें देखो ब्रह्म से सृष्टि कहीं आया और दूसरी जगह क्रमेण सृष्टि वर्णन हुआ इदं सर्वं सृजत लोकान्नु सृजा इति ऐत्रेय उपनिषद में ऐत्रेय में क्रम से सृष्टि और ऐत्रेय में युगपत सृष्टि वर्णन आया कौन सा सृष्टि मानना चाहिए विरोधी बात आ गया ना क्रम मानना युगपत मानना विरोधी बातें हैं विरुद्ध दो सृष्टि का कथन हो गया है तो कौन सा सही है इति युगपत श्रवणाच कस्य उपाधि तुम कस्य वाहे तुम कौन सा सृष्टि उपाधि है और कौन सा है इति आकांक्षायाम श्रुति युक्ति उपेतत्वाद उभयम ग्राह्याम श्रुति और युक्ति के द्वारा गृहित होने से दोनों ही सही है दोनों से कोई गलत नहीं क्योंकि स्वप्न भी क्या होता है आपको क्रम से भी देखने लग जाते हैं आप हैं आपने सोचा एक दूसरी चीज बनी उसको लेकर विचार किया ऐसे करते करते क्रम से आप स्वप्न बना लेते हो दुनिया भर का चीज धीरे 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 और कई बार झटित स्वप्न खड़ा हो जाता एक साथ जैसे हम लोगों का खुद के स्वप्न है कहीं कभी क्रमेण स्वप्न पदार्थ की उत्पत्ति देखने को मिलता है कहीं युगपत सकल स्वप्न पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं उसी प्रकार से जगत भी क्रमेण और युगपत है कोई आपत्ति नहीं
रहस्य कैसे होगा सृष्टि दोनों, कदि यही ज्ञापन करता है सृष्टि की मिथ्या। यथा स्वप्न मिथ्या होने के नाते कभी क्रम से कभी युगपत होता है, तथा जगत भी मिथ्या होने के नाते कभी श्रुति ने कहा कहीं क्रम से उत्पत्ति बता रहा है, कभी श्रुति युगपत उत्पत्ति बता रहा है। इसे ज्ञापन क्या होता है, यह सृष्टि स्वप्नवत मिथ्या है। क्रमेण युगपत वैशा सृष्टि ज्ञेया यथा श्रुति द्विविध श्रुति सद्भावात् द्विविध स्वप्न दर्शना। क्रमेण युगपद वा एषा सृष्टि, एषा सृष्टि क्रमेण युगपद वा भवति यथा श्रुति गया, जहां श्रुति जैसे करियो वैसे आपको मानना चाहिए। क्यों, द्विविध श्रुति सद्भावात्, दो प्रकार का श्रुति सद्भाव है और दोनों श्रुतियों का हम कोई विरोध नहीं मानते हैं और दोनों श्रुतियों में समान प्रामाणिकता है। युक्ति क्या है, द्विविध स्वप्न दर्शना, दो प्रकार का स्वप्न होता हुआ देखने को मिलता है संसार में, इसलिए यहां दो प्रकार सृष्टि मानने में कोई दोष नहीं है। ऐसा जगत मैंने सृष्टि द्विविध श्रुति सद्भाव, द्विविध दो प्रकार श्रुति का सद्भाव, दो प्रकार क्या है वो, क्रमेण युगपत्व यथा श्रुति ज्ञेया इति योजना, क्रमेण अत युगपत जैसा श्रवण हो रहा है वैसे मान लेना चाहिए। तत्रोपपत्ति इस जगत सृष्टि में युक्ति क्या है, द्विविध स्वप्न दर्शायति लोके क्रमयुक्तस्य च अक्रमयुक्तस्य च स्वप्न पदार्थ जातस्य दर्शनात्। लोक में क्रमयुक्त स्वप्न पदार्थों को उत्पन्न होता हुआ देखने को मिलता है, कभी कभी अक्रम ने युगपत भी स्वप्न सकल पदार्थों की उत्पत्ति देखने को मिलता है, ये सभी का अनुभव सिद्ध है। यथा तथा जगत में भी समझना, हिरण्यगर्भ से स्वरूपम निरूपित, कब कदा तो हिरण्यगर्भ हो गया ईश्वर, तो हिरण्यगर्भ का क्या स्वरूप है, ईश्वर जब हिरण्य रूप प्राप्त हो गया स्वप्रवत आप कह रहे हो तो उसका क्या स्वरूप है। सूत्रात्मा सूक्ष्म देहाख्यः सर्वजीव घनात्मकः सर्वाहं मान धारित्वात् क्रिया ज्ञानादि शक्तिमान। सूत्रात्मा है जैसे पट में धागे हैं उसी प्रकार से जगत में ये ईश्वर सर्व हिरण्यर्व अनुस्यूत है, सर्वत्र ईश्वर हिरण्यगर्भ रूपेण उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पट में तंतु व्याप्त है, अर्थात जो अंशु है वो ईश्वर समझो, अंशु क्या है ईश्वर, अंशु से बना तंतु, तंतु से पट, उसी प्रकार अंशु है ईश्वर, ईश्वर से बना है हिरण्यगर्भ तंतुवत और हिरण्यगर्भ से बनता है स्थूल जगत वो पट हो। इस प्रकार से दृष्टांत दर्शन घटाने के लिए जान बुझ करके उसका नाम एक और रख दिया, क्या हिरण्यगर्भ का दूसरा नाम सूत्र आत्मा, सूत्र इव आत्मा, सूत्र आत्मा सूत्र इव इति सूत्र आत्मा। सूक्ष्म देह आख्या वो कैसा है, वह सूक्ष्म देह नाम से विग्रह गया है, वह समस्त जगत का सूक्ष्म शरीर है, ये समस्त जगत स्थूल शरीर मानते हो, ये समस्त जगदात्म स्थूल शरीर का वह सूक्ष्म शरीर है। कैसा होता है, हाँ समष्टि सर्व जीव घनात्मक कह देना वहां पर आगे, सर्व जीव सर्वेशां जीवानां घनात्मक सकल जीवों का घन रूप है, समष्टि रूप है, सकल अहम मान धारिता सकल के ऊपर अहम इत्याकार का अभिमान का धारण करने वाला है। जैसे आप अपने हाथ पैर सारी चीजों पर अहम करके धारण कर लेते हो, वो सारा संसार पर अहम करके धारण करने वाला है। कभी कभी तो हम लोग भी बहुत चीजों पर अहम धारण कर लेते हैं ना, ये सब मेरे शिष्य हैं, मैं ही हूं, ये साथ धारण कर लेते हैं, आश्रम वश्रम पदार्थ अब मैं मेरे से भिन्न मेरा, इसे होते ना मेरा क्यों बोलते हैं, अहम उसके साथ तादाद हो रहा है ना, इसे परेशानी होती है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो परेशान हो जाते लोग, इतनी तारीफ में नहीं हो, परेशान नहीं होना, जानते तो ही शरीर भी जाना है आश्रम भी जाना है सब जाना है, क्यों परेशान हो रहा है, है? ये कि सर्पवत न्याय सर्पन्याय है ना, सर्पन्याय को भूलना नहीं चाहिए, अपने से गड़बड़ मत करो, दूसरा गड़बड़ कर रहे तो फुस करना जरूर, फुस करके रोक देना अगले को ज्यादा गड़बड़ करने से, अब सांप के सामने चुपचाप खड़े रहो तो क्या सांप मार देगा, है कि नहीं, शाम को लाठी दिखाना जरूरी है, शाम को मारो मत इन लाठी दिखाओ जरूर ताकि वो काट ना सके, किसी को हानि नहीं करना हिंसा नहीं करना, गुरु ने उपदेश दे दिया और चुपचाप खड़ा है तो शाम काट के मर जाएगा आदमी, है कि नहीं, इसे सर्पन्याय ध्यान रखना चाहिए,
कहने का जो गुरु उपदेश दे रहे हैं उसको कहाँ लागू करना है, कैसे लागू करना है, ये सब समझना चाहिए। क्रिया ज्ञानादि शक्तिमान, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति अनेकों शक्तियों से संपन्न वह सर्वशक्तिमान है वो। सूत्रात्मा पटे सूत्रम इव, देखो करें पट में सूत्र के समान, जगति अनुस्यूत आत्मा माने स्वरूपम यस्य, जगत में अनुस्यूत है आत्मने स्वरूप, आत्मशब्द यहां स्वरूप के लिए, जगत में अनुस्यूत है स्वरूप जिसका, उसको कहते हैं सूत्र आत्मा। वो कौन है वो? स सूक्ष्म देह इति आख्यायस्य, सूक्ष्म देह है नाम जिसका, तथा विद सर्व जीव घनात्मक सर्वेशाम जीवानाम लिंग शरीरोपाधिकानाम घनात्मक समष्टि स्वरूप, सकल जीवों का लिंग शरीरात्मक उपाधियों का घनीभूत रूप है अर्थ समष्टि स्वरूप का नाम सूत्रात्मा है, हिरण्यगर्भ है। तत्र हेतु, उसमें क्या कारण है? हम सबके शरीरों का अभिमान हो तो उसको लेकर वो कैसे उसका एक शरीर बन जाएगा? हमारे सबके सुख शरीर मिला करके उसका एक सुख शरीर कैसे हो गया? कहते हैं हम सकल सुख शरीरों पर वो अभिमान कर लेता है, ये मिला करके कोई एक और शरीर बन नहीं जाता, इन सबको मिला करके एक अलग कोई सुख शरीर नहीं बना है, और उसका इन सकल सुख शरीरों को अभिमान कर लिया बस इतने से उसका मान दिया गया। ये सब अभिमान का ही तो खेल है ना, ये दुराभिमान है, बल्कि अल्लोक का जो स्वाभिमान करो, नहीं स्वाभिमान में भी दुराभिमान छिपा हुआ है कि किस विषय में स्वाभिमान करना चाहिए किस विषय में नहीं करना चाहिए भी तो समझना पड़ेगा। अनावश्यक स्वाभिमान क्या होता है? खुद के लिए हानिकारक हो जाएगा। अब देश को लेकर के धर्म को लेकर के स्वाभिमान करना चाहिए, लेकिन उसमें किसको कितना करना चाहिए, किस हद तक करनी चाहिए, और स्वाभिमान की वजह से देश धर्म में संकट आ जाए तो आप किस तरह से सेवा करनी चाहिए वो भी निर्भर है। यानी हम मैदान में कूद जाएंगे जाकर के, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी बाहर में पहुंचे लाठ लेकर के, है नहीं तरीका गलत। हिंदू लड़ाई को शांत करने का प्रयास करो, नहीं मानते धर्म संकट में यार हिंदुओं को लड़ने को प्रेरणा भले दे दो, लेकिन खुद मत लड़ने जाओ, तुम सन्यासी हो महात्मा हो, तुम खुद लाठी लेके जाओगे, खुद नहीं करना चाहिए। अब ये निर्भर होता है किसका क्या अधिकार है, व्यवहार तो है मिथ्या व्यवहार है, मिथ्या ही अभिमान है, मिथ्या ही व्यवहार सब कुछ होना है, ये जानते हो, तुम्हारा भी जाना मिथ्या भी बात सच, लेकिन वर्णाश्रम धर्म अनुसार व्यवहार को मानना पड़ेगा ना, आश्रम धर्म को उल्लंघन करके व्यवहार क्यों कर रहे हो? मिथ्या व्यवहार करने के लिए मिथ्या शास्त्र है, नहीं मिथ्या व्यवहार की व्यवस्था देने के लिए मिथ्या शास्त्र भी आया हुआ है। इसे मिथ्या शास्त्र अनुसार ना मिथ्या आपका अभिमान मिथ्या व्यवहार करे, वहां की उल्टा पलटा हो रहा है, ये नहीं समझ पाते। इसलिए का कहना है कि देखो वह घनात्व समिति स्वरूप जो होता है सर्वेश वेष्टिलिंग सर्वेश अहम मानता, सकल वेष्टिलिंगों में क्या कर शरीरों में अहमता का अभिमान है, जैसे आप इतना बड़ा राष्ट्र के ऊपर आपकी अहमता का अभिमान है, सारे हिंदुओं पर अहमता का अभिमान है, या नहीं? वहां किसी को हिंदू को कुछ हो रहा है तो आप नाराज हो जाएंगे, अरे हिंदुओं के साथ गड़बड़ कर रहा है, मैंने उस हिंदू का भी आपका अभिमान है ना उसके ऊपर भी, वो हमारा है मेरा है मैं ही हूँ मेरे को कष्ट दे रहा है इसका मतलब, ऐसे आप भाव हो जाता है, हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं, तादात्म्य हो जाते हैं भाव। तीसरे कहते वो जो तादात्म्य है वह उस शरीर के शरीर के एक नहीं हो जाता या सब शरीर में एक नया शरीर नहीं बन जाता, लेकिन केवल अभिमान कर लिया जाता है, उन सब पर अभिमान किया जाता है। इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति मान, इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति वाला परमात्मा। हिरण्य गर्भ अवस्थायाम जगत प्रतीत दृष्टान्त महा, हिरण्य गर्भ अवस्था में जगत की प्रतीति शुरू हो चुकी है, इस विषय में एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। लेकिन उस समय जगत सम्यक प्रतीत नहीं है ना, अंकुर अवस्था में वृक्ष तो दिख रहा है, लेकिन वृक्ष जिस तरह से दिखते वैसे अंकुर है क्या? नहीं है ना, एक अवस्था है वृक्ष की, वो भी इस तरह से हिरण्यगर्भ जगत का एक अवस्था ही है। कैसा है वो? प्रत्युषे वा प्रदोषे वा मग्न मंदे तमस्यम लोको भाति यथा तद्वत् अस्पष्टं जगदीक्षते। उषा काल में सवेरे सवेरे का समय क्या होता है? बिल्कुल 4:15 बजे से
ना पूरा प्रकाश है न घोर अंधकार है। उस स्थिति में जगत वो कैसे दिखता है? धुंधला 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 है, जगत तो दिख रहा है, ये सब पहाड़ पहाड़ दिख रहा है, लेकिन वो धुंधलापन के साथ दिखता है, साफ नजर नहीं आता। प्रदोषे वा फिर सायंकाल में भी सब धुंधलापन के साथ दिखता है, साफ साफ नजर नहीं आता बिना लाइट का टॉर्च का। मग्नो मंदे तमस्यम, अतः मंदे तमसी मंद अंधकार में अयम लोको मग्नसन यथावात, यह लोक जिस प्रकार से डूबा हुआ होकर के हमें दिखाई देता है उसी प्रकार तद्दत अस्पष्टं जगदीक्षते हिरण्यगर्भ अवस्थाया, हिरण्यगर्भ अवस्था में अस्पष्ट रूपेण जगत हमें भासित होने लग जाता है। प्रत्यक्ष कर दिया उषा काले इत्यर्थः एवं लोक प्रसिद्ध दृष्टान्त अभिधाय यथा धौत इति पूर्वोक्त श्लोको श्लोक अभीतम लांछितम प्रथम दृष्टान्त इति। सर लोक प्रसिद्ध दृष्टान्त दे दिया, कथन कर दिया प्रत्युष इत्यादि, और अब शास्त्र में जो अभी हम लोगों ने दिया धौत पट का है ना, धौत पट यथा धौत इत्यादि से पूर्व श्लोक में अभी वहां इस अवस्था कौन सी बनेगी? अभी लांछित, पहले हो गया धौत, फिर घटित, फिर लांछित, तीसरी अवस्था ना अभी है ये लांछित है। शुद्ध ब्रह्म हो गया धौत पट है ना, घटित पट हो गया ईश्वर, लांछित पट हो जाएगा हिरण्यगर्भ, और रंजित पट हो जाएगा स्थूल जगत विराट। अभी तक रेखाएं खींची गई है, रंग नहीं भरा है, रेखाएं चित्रों के रेखा बना दिया गया उसको कहते हैं रेखांकित पट या लांछित पट। वह अवस्था हिरण्यगर्भ सूक्ष्म रूप में दिख तो रहा है, चित्र है ये आदमी, ये सब अब समझ में आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता चलता ये है क्या, ये राजा है कि क्या बना रहा है चित्र, है तो चित्र आदमी है लग रहा, लेकिन अब उसको कोट कुट रंग रुंग करेगा तब ना पता चलेगा ये मंत्री बन रहा है, राजा बन रहा है कि चौकीदार बन रहा है, कि क्या है इनमें चित्रों में कौन क्या है, ये रंग भरने पर ही पता चलता है। थोड़ा बहुत मुकुट आदि पर अंदाज ही कर सकते हो, इन मुकुट मंत्रियों भी पहन लेते हैं तो क्या करोगे, तो अब देवताओं को बना रहे सारे देवताओं पर मुकुट ही रहेगा, कौन कौन से देवता क्या मालूम हो, जब तक वो दाढ़ी मूछ बनाए किसी का किसी नहीं बनाया, किसी काला किसी को पीला किसी को नीला नहीं बनाता, पता क्या चले कौन क्या देवता है या नहीं। इसे जब तक रंजित नहीं होता पट तब तक स्पष्ट चित्र नहीं होता, अस्पष्ट चित्र होता है लांछित पट अवस्था में, वो अवस्था का नाम हिरण्यगर्भ अवस्था है। लांछितम पटम दृष्टान्त इति सर्वतो लांछितो मश्या यथा स्याद् घटितः पटः सूक्ष्माकारस्तथेशस्य वपुः सर्वत्र लांछितम्। सर्वतो लांछितो मश्या केवल काले मशी से लेकर के लाइन 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 रेखाएं डाल करके बना दिएगा, पूरा चित्र बना दिया कपड़े का। यथा स्याद् घटित पट, घटित पट क्या हो गया? लांछित पट हो गया है। जैसे घटित पट पर मशी के द्वारा अनेक चित्र बना दिया गया है वैसे ही है, समझो सूक्ष्म आकार ही। क्या कर दिया आपने? मशी के द्वारा सूक्ष्म आकारों को बना दिया, उस रंग का न भरने के कारण से वह चित्र अस्पष्ट है। ठीक उसी तथा ईशस्य वपुः, ठीक उसी प्रकार से उस ईश्वर का ये सूक्ष्म रूपा जो शरीर है कैसा है? ये सर्वत्र लांछितम्, अनेक जीवरात्मक सूक्ष्म के द्वारा अनेक योन्यात्मक शरीर प्रकट हो गया अस्पष्ट, कि 84 लाख योनि के अनुरूप 84 लाख सूक्ष्म तो कम से कम होंगे, हर योनि का सूक्ष्म अपने अपने ढंग का होगा, यानी जैसा शरीर है तद अनुरूप उनका सूक्ष्म शरीर भी होगा, उसकी क्षमता भी होगी, सब होगा अलग अलग। तो इसलिए अरबों के हिसाब से उसने सूक्ष्म शरीर बना लिया, आकार बन गया, आकार ईवा आकार बन गया, अस्पष्ट जीव स्वरूप बन गया। यथा घटित पट मशीमय आकार विशेष लांछित भवति, यथा घटित पट मशीमय आकार विशेषम के द्वारा रेखांकित हो गया, लांछित हो गया, तथा मायिनः ईश्वर से उपोह, माई जो ईश्वर का जो शरीर है अपंचीकृत भूतकार्य ही लिंग शरीर ही अपंचीकृत, पंचीकरण नहीं हुआ भी अपंचीकृत भूतकार्य लिंग शरीर ही लांछितमित्यर्थः। बुद्ध्यारोहाय वैभवा दृष्टान्तान्तरम् आह, बुद्धि में इस बात को आरूढ़ करने के लिए
बुद्धि की वैशिद्यता के आधार पर ही एक और दृष्टांत समझाते हैं कैसा है। सस्यम वा शाक जातम वा सर्वतो अंकुरितम यथा कोमलम तत्प्रदेवैश पेलवो जगदंकुरः। जैसे अनेकों प्रकार के बीज बो दो, सारे बीजों का अंकुर निकला है, लेकिन पता चलेगा आपको किस चीज का अंकुर ही है। आप पहले से बुद्धि से क्यारियों को विभाजन कर लेते, इसलिए आपको मालूम भी हो जाते कभी कभी, यह भिंडी का है, ये जो करेले का है, यह अमुक का है। ये क्यों मालूम हो गया आपको? क्योंकि आप पहले से क्यारी को विभाजन, बीज का विभाजन करके डाला है, ये आपकी बुद्धि में पहले से बैठा हुआ है, इसे आपको मालूम है। ऐसे ना हो सारे बीज आपको इकट्ठा दे दिया जाए और कल बिखेर दो, और सारे बीज इकट्ठा करके अपनी बिखेर दी और सब अंकुरित भी हो गए, आप बताइए मेरे कौन से अंकुर हैं। जब तक पत्ते नहीं निकलेंगे तब तक आप बहुत पता नहीं पाएंगे किस चीज का पौधा है। सारे अंकुर एक जैसे सफेद दिखेंगे, बराबर दिखेंगे सब, तब कैसे भेद करोगे आप? नहीं कर पाएंगे ना, अस्पष्ट। तद्वत ये भी समझना कितना सुंदर दृष्टांत। सस्यं वा शाक जातं वा सर्वतो अंकुरितम यथा सस्य हो चाहे शाक अपने सब्जियों का समूह हो चाहे कोई भी हो, सर्वतो अंकुरितम चार अंकुर अंकुर मात्र दिखाई दे रहा है। कोमलम तद्वत कोमल अंकुर जैसा होता है उसी प्रकार से एष जगद अंकुर पेलव, यह जगत क्या है? अंकुर है पेलव मने मृदुलम तनु इत्यम मृदु, बहुत ही कोमल अवस्था है, अति सूक्ष्म अवस्था है जगद अंकुर। इस प्रकार के सूत्रात्मक स्वरूप का वर्णन कर दिया। एवं सूत्रात्मक स्वरूप विशदीकृत तस्यैव अवस्था वेदम पंचीकृत भूत कार्योपाद विराजम दृष्टांत त्रेण विशदे। अब उसी का अवस्था भेद से अंतिम अवस्था क्या है? पंचीकृत पंचमहाभूतात्मक जो स्थूल अवस्था है, पंचीकृत पंचभूतात्मक कार्योपाधिक विराजम माने विराट शरीरात्मकम जो शरीर की उत्पत्ति के बारे के लिए तीन दृष्टांतों के द्वारा समझा रहे हैं।